भौतिकी में ये पता चल चुका था कि प्रकाश या फिर कोई भी रेडिएशन तरंग और कण दोनों रूप में चलता है। फिर 1924 में लुई डी ब्रोगली ने बताया कि सिर्फ प्रकाश ही नहीं बल्कि सभी द्रव्यमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी कण के साथ साथ तरंग के रूप में व्यवहार करते हैं। इनमें भी डुअल नेचर होता है। अगर हम ध्यान से किसी गतिमान पदार्थ को देखें तो वो तरंग के रूप में चलता है। इसके लिए उन्होंने किसी पदार्थ के तरंग दैर्ध्य का सूत्र दिया जो लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी था। पी मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, एच प्लैंक कांस्टेंट, इन्हें मैटर वेव भी कहा जाता है।